मॉर्निंग स्टूडेंट, बच्चों कैसे हो? लगता है सब ठीक होंगे, है ना? चलिए, मैंने आपको कल बड़ी की मात्रा के प्रश्न उत्तर कराए थे, आज मैं आपको कराऊंगी खाली स्थान और उचित मात्रा लगाओ। ये दो टॉपिक है ना, आपने सबने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या था? डैश मत बन। क्या मत बन? आलसी मत बन। क्या मत बन? आलसी। ए आ ले से ई आलसी। चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको रोज रीडिंग के लिए बोलती हूँ। सेकेंड इज पीला डैश ला। क्या ला पीला? पपीता। पे पे ई ते आ पपीता। पीला पपीता ला। थर्ड इज डैश शाकाहारी थी। कौन थी इसमें शाकाहारी? पढ़ाया आपने शीला थी। कौन थी? शीला। शीला शाकाहारी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा उचित मात्रा लगाओ। क्या है? उचित मात्रा लगाओ। आपको ये रॉन्ग वर्ड है, आपको इसको करेक्ट करके लिखना। तो खेले खल का क्या बनेगा? खी। खे ई ले खी। नेक्स्ट इज मच्छल। मच्छल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा? मछली। मैं छे ले ई मछली। थर्ड इज सट। सट का क्या बनेगा? सीटी। से ई टे ई सीटी। चटन का क्या बनेगा? चटनी। चे टे ने ई चटनी। दे दरे का क्या बनेगा? दिया। दे लिए आ दिया। ओके बच्चों, आपको बेटा इसको लर्न करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। आप चैप्टर जरूर पढ़ें, चैप्टर पढ़ने से आपको इनके आंसर अपने आप पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके बाय।